इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेटीएम के अंदर जब आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हुए होते हैं तो पैसे ट्रांसफ़र करते टाइम आपको इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है, अटेंशन प्लीज़, यू आर ए कॉल ट्राइंग टाइपिंग, और ट्राइंग टाइपिंग या इस तरीके से लिखा हुआ है तो वहाँ पर लिखा होता है मेक श्योर दैट यू आर पेइंग द राइट पर्सन, यू नीड टू नॉट एंटर एम पिन टू रिसीव मनी इन योर बैंक अकाउंट। आई अंडरस्टैंड आपको यहाँ पर दिखाई देता है, तो वैसे तो हम इसे इशू नहीं मान सकते क्योंकि ये एक ही क्लिक में हट जाता है, बट ये आता ही क्यों है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हैकर से टाइप का रहता है तो यहाँ पर ये क्यों दिखाता है, देखिए हैकर से टाइप को ही इस वजह से आता है, वैसे इसका कोई मीनिंग नहीं होता है यहाँ पर। लाइक इशू ये होता है कि जैसे कि हम किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कॉलिंग पर बात करते टाइम हमारा कॉलिंग पर ज़्यादा ध्यान रहता है और ना कि हमारा पैसे किसको भेज रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये अटेंशन देता है, आपके जो यहाँ पर पेटीएम है वो अटेंशन देता है। अब यहाँ पर सर्विसेज परमिशंस ले लेता है दो तीन, जैसे कि लाइक फ़ोन की परमिशन और स्टोरेज की परमिशंस और अदर परमिशंस ले लेता है, जिसकी वजह से वो चेक कर लेता है कि आपके डिवाइस में कॉल चल रही है और वो सिक्योरिटी की पर्पस के लिए आपको जो है यहाँ पर अटेंशन शी करा देता है। तो अगर ये ऐसी अटेंशन आप नहीं चाहते तो फ़ोन की परमिशंस को बंद कर सकते हैं। हाँ ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई इशू होगा इसके रिलेटेड, बाकी यहाँ पर ये इसी वजह से दिखाता है। यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।